हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मछली के माथे के साथ मूंग दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सामग्री मैं ली हूँ मछली का माथा। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही इसे मैरिनेट करके रखा है। इसमें हल्दी नमक डालकर इसे मैरिनेट कर ली हूँ 10 मिनट के लिए। और आगे सामग्री ली हूँ मूंग दाल, साथ ही ले रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और टमाटर। तो फ्रेंड्स, अब हम एक कढ़ाई लेंगे। तो कढ़ाई देखिए फ्रेंड्स, गरम हो गया है। तो इसमें हम हल्का सा भुनने के लिए मूंग दाल को डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे हल्का सा हमें भून लेना है लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मूंग दाल बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। तो चलिए अब इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसी तरह से मूंग दाल को निकाल लिया और अब इसे हम साफ़ पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल दी हूँ और इसे अच्छे से धो दे रही हूँ। इसे 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे साफ पानी से धो लिया है। और फ्रेंड्स, अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर में डाल लेंगे पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पानी ऐड कर ली हूँ और अब इसमें हम मूंग दाल को डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मूंग दाल डाल दे रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारे मूंग दाल डाल दिए और अब इसमें हम मिला लेंगे हल्दी पाउडर को और इसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक सीटी लग रही है तो चलिए जब तक मछली को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मछली फ्राई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ली हूँ कढ़ाही। कढ़ाही में डाल रही हूँ सरसों तेल। तो फ्रेंड्स, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं मिला ले रही हूँ हल्का सा हल्दी पाउडर और अब इसमें हम फ्राई करने के लिए मछली के माथे को डाल देंगे इस तरह से। और अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मछली एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और अब इसे हम ढककर वापस से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। तो तेल को छानकर अब इसे हम निकाल लेंगे दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे निकाल ले रही हूँ और इसी तरह से मैंने तीनों मछली के माथे को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब हम देखिए मछली के माथे को इस तरह से तोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे तोड़ लेना है, टुकड़ों में बांट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने सारे मछली के माथे के टुकड़े कर लिए हैं और 2 से 3 सीटी कुकर में लग गया है दोस्तों। तो चलिए कुकर से गैस निकाल लेते हैं। तो कुकर से गैस निकल गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, दाल कितने अच्छे तरीके से पक गया है। और अब इसे हम हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम एक कढ़ाही लेंगे दोस्तों। कढ़ाही में तेल है और इसमें मैं मिला ली हूँ जीरा, साथ ही इसमें मिला लेंगे तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। इन तीनों को डालकर इसे चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज। प्याज डालकर इसे चला लेंगे दोस्तों।
तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसे चला ले रही हूँ और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल लें और नमक डालकर अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर डालकर इसे चला लेंगे। और अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। और अब इसमें मैं मिला ली हूँ हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें मिला ली हूँ जीरा पाउडर और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ रेड चिली पाउडर और अब इसमें हम मिला लेंगे धनिया पाउडर और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे चला लेंगे। तो मैं इसे चला ले रही हूँ दोस्तों। अब इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड कर ले रही हूँ, एकदम थोड़ा सा, और पानी डालकर इसे चला ले रही हूँ। और अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं लीड लगा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ मछली के माथे को। तो फ्रेंड्स इस तरह से मिला लेना है और फिर अब इसे हम चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ठीक इसी तरह से, तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से चला ली हूँ। और अब इसमें मैं ऐड कर ले रही हूँ मूंग दाल को। तो इसी तरह से मैंने सारे मूंग दाल को यहाँ पर ऐड कर लिया और अब इसे हम देखिए इस तरह से अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ हरी मिर्च को। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर लिया और अब इसे हम बस 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गया है और आगे प्रोसेस में मैं यहाँ पे मिला ली हूँ गरम मसाला। तो फ्रेंड्स इस तरह से गरम मसाला ऐड कर लेना है और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे घी को। तो फ्रेंड्स इस तरह से घी को ऐड कर लेना है और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ चीनी। तो चीनी को मिलाकर अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अच्छे से चला लेना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से चला लिया और अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर इसे गार्निशिंग दे देंगे। तो तैयार है मछली के माथे के साथ मूंग दाल की रेसिपी। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।